ढूंढनी होती भाई, ये क्यों निकली होती है? अब ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस चीज को देखिए, आपकी जो गलती रह चुकी है, गलती ये क्या है कि सिमन इसके अंदर ड्रॉप हो चुका है। और अगर बात की जाएगी ये जो सिमन स्ट्रॉ था और यहाँ पर देखिए इसमें फंस चुका है, समझ गए मेरे पास, इसमें ये फंस चुका है। अभी क्या मिस्टेक होती, तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि AI गन जो होती है उसको किस तरीके के साथ 100% सही तरीके से लोड करते हैं। वीडियो को कम्प्लीट देखें। AI गन की बात अगर कर दी जाएगी कि अगर आप AI गन अपना लोड करते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर आप एक चीज चेक नहीं करते ना, तो समझ लेना भाई मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो सिमन स्ट्रॉ होगा वो अच्छे तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो कहने की एक ही बात है दोस्तों, AI गन जो है आपको लोड करना तो आती होगी, लेकिन दोस्तों आज ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं जो आपको एक मिस्टेक अगर आपने कर दी ना, तो कभी कभी आप फंस भी जाते हैं और उस तरीके के बाद ना आप निराश हो जाते हैं, काश मैंने ये चीज पहले देख ली होती। और वो क्या चीज रहती है उस पे आज बताने वाले हैं आपको सारी डिटेल के साथ। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और आज की वीडियो लाइव आपको मैं दिखाने वाला हूं कि जब AI गन आप अपने ही लोड कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना लास्ट में, वो आपको क्या चेक करनी है। चलो दोस्तों आज की वीडियो है, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रायोकैन, जो क्रायोकैन से हम सिमन निकालते हैं, किस तरीके से निकालना है, क्या करना है, सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे ही अपना क्रायोकैन खोलते हैं और उसमें के बाद हम इसमें ऐसे जाते हैं, जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप सबसे पहला जो काम करते हैं ना, आप इस तरह से आता है ये, और निकालने के बाद जैसे आप ये करते हो और आप क्या करते हो अपने हैंड के साथ यहाँ से एक निकाल लेते हो स्टार्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इस चीज में आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितना कम हो सके अपने हाथ का इसमें यूज करें। ठीक है, पहला नंबर तो इसमें गैस भी जाएगी और जो दूसरे स्ट्रॉ है उनको भी फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला ये चीज आपको ख्याल रखना होता है, आपको क्या करना था, आपको फोर्सेप के साथ इसको निकालना होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास फोर्सेप यहाँ पर है और फोर्सेप के साथ आपको यहाँ से सिमन स्ट्रॉ निकालना होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसको निकालेंगे और उसके बाद निकालने के बाद ना, इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ से निकालने के बाद देखिए, जैसे कि हमारा निकल चुका है और यहाँ पर हमें जो फोर्सेप होता है अंदर डालना होता है, इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, दूसरे स्ट्रॉ हमारे खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी हमें स्ट्रॉ चाहिए वो निकालेंगे और इसमें ही रखना है। और निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे पता है कि पानी जैसे आप निकालते हो ना, तो पानी निकालने के बाद आपको जो होगा आपका टेम्परेचर होगा वो इसमें मेंटेन करके रखना, और इसका जो वाटर का पानी का जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो निकालने के बाद तुरंत करने के बाद देखिए, जैसे कि मेरा स्ट्रॉ इसमें गिर चुका है। ठीक है, मैं एक दूसरा निकालूंगा भाई, एक यहाँ पर दिक्कत हो गई समझिए। ठीक है, तो वही मैं स्ट्रॉ जो है वो आपके लिए एक और पकड़ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। ठीक है, तो स्ट्रॉ मैंने ले लिया है और लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे पानी रखा है, और लेने के बाद तुरंत इसको ऐसे रखेंगे साथ में और इसमें ऐसे डाल देंगे, समझते फिर बात। ये जो गिलास है इसमें मैंने मेंटेन करके रखा है अपना जो भी टेम्परेचर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई क्या टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का। ठीक है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है। अब जैसे कि मैंने ये पानी ले लिया है, तो लेने के बाद इसमें अब मैंने क्या किया, स्ट्रॉ इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा उस पर बात करते हैं। और अब अगला काम जो होगा दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए हमारे पास यहाँ शीट भी है और उसके बाद गन भी है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि हमारा स्ट्रॉ होता है उसमें भी मैं आपको चीजें बता देता हूँ क्या करना होता है दोस्तों। देखिए, अब जैसे कि हमने ये गिलास लिया, आपको क्या ध्यान रखना होता है, ये जो स्ट्रॉ आपको दिख रहा है, स्ट्रॉ आपको कितना दिख रहा है, देखिए पानी का लेवल देखिए। देखिए ये गलतियां आपको करके दिखा रहा हूं मैं, हमारी जो गलतियां होती हैं इसमें क्या होता है, देखिए लेवल पानी का देख सकते हैं आप और स्ट्रॉ आप देख सकते हो कि बड़ा है। सबसे पहले गलती आपकी यही चीज आ जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, करने के बाद फिर इसको उल्टा डालते हैं। भाई ऐसा काम नहीं करना होता है, याद रखना जो स्ट्रॉ होता है हमारा, जैसे कि ये नीचे से बंद है, ठीक है, अब इसको इस तरह से डालना होता है। ठीक है, और डालने के बाद सबसे बड़ी याद रखना है कि इसका जो लेवल होता है ना, ये जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ इसके अंदर डूबना चाहिए भाई पूरा एक ही बार में, इसको उल्टा करके नहीं करना। सबसे पहले आपकी गलती ये चीज आ जाती है, तो आपको ये चीज नहीं करनी, समझ गए मेरी बात। अब जैसे कि मेरे स्ट्रॉ अभी कोई काम का होने वाला नहीं था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं और गलती करके आपको दिखा रहा हूं कि इस पे आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, होने के बाद दोस्तों समझ लीजिए आपके पास पूरा लेवल है, होने के बाद अब आप इसको क्या करोगे, स्ट्रॉ को निकालोगे। निकालने का क्या तरीका होना चाहिए आपके पास, जा तो भाई आपके पास अच्छा हैंकी होना चाहिए, हैंकी समझ गए, जैसे ये देखिए नया ही है और हैंकी यूज
करना कौन सा है, जो स्ट्रॉ के लिए है एक ही यूज करना है, नहीं तो आप कॉटन भी उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी होगा तो आपके पास अगर टी शर्ट, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना कि भी थोड़ी साफ होनी चाहिए, टी शर्ट भी है शर्ट है उसके साथ आप साफ कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको अपनी टी शर्ट जो है उसके साथ साफ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्ट्रॉ हम निकालेंगे, निकालने के बाद सबसे पहले इसका ये जो पानी होता है पानी दूर करेंगे, और इस तरीके के साथ आप यहाँ से टी शर्ट कर सकते हो ऐसे, और करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से खींचना है, समझ के, दो तीन बार आप कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको कि आपको बाहर से टिश्यू लाना ही है। कुछ लोग होते हैं वीडियो में दिखाते हैं आप टिश्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ ऐसे स्ट्रॉ खराब नहीं होता है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपके पास कटर होना चाहिए। दूसरी गलती ये रहती है आपकी, समझ गए, दूसरी गलती आपकी ये होती है कि ये आप ब्लेड लेते हो और ब्लेड से कट कर देते हो। आपको ये चीज पता है ब्लेड कहां से उठाया है, कैसे उठाया है? जब आप इसको इस तरह से काटोगे, काटने के बाद भाई ये अंदर तो जाएगा ना, समझ के, उसकी जो बाउंड्री है उस पर एक टच तो होगा ना, तो वहां से भी भाई स्ट्रॉ में इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं। और कुछ दोस्तों के बोलेंगे कि हम साफ करके करें, ठीक है, आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन आपके पास ब्लेड ही है तो आप यूज करें, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास कटर है, तो भाई आपको कटर का यूज करना, समझ लीजिए कटर होगा तो कटर से आप क्या करेंगे, बराबर इसको काट देंगे, ठीक है। और काटना कहां से होता है वो भी चीज बताते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा हूँ, और इसका ये जो लेवल होता है भाई, एक लेवल होता है इंपॉर्टेंट, और लेवल से ही आपको काटना होता है, समझे। कुछ लोग होते हैं ऊपर से ज्यादा काट देते हैं और कुछ होते हैं नीचे से काटना है, ये चीज नहीं, आपको इस तरह से लेवल देखना है। और कभी कभी लेवल सर्दियों में नहीं आता है बराबर, तो आपको क्या करना है, जब आपने इसको पानी में डिप किया है, निकालने के बाद इसको इस तरह से आपको मसलना है, ज्यादा भी नहीं मसलना है, ठीक है। तो नॉर्मल मसलोगे तो उसके बाद इस तरह से करके एक दो बार इस तरह से करोगे ना, तो आपका जो लेवल होगा वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसका लेवल आ चुका है, और लेवल के ऊपर आप इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे। दोस्तों यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इस कारण से आपकी जो गाय होती है वो भाई वापिस आ सकती है, और इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो तीसरी गलती अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये जो शीत होता है, शीत को सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, और करने के बाद जैसे ही होगा ये नीचे से इसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे शीत रेडी हो चुका है यहां से, अगर नहीं हो रहा तो यहां से आप काट सकते हैं, ठीक है, आप इसको मुंह से भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और मैक्सिमम लोग मुंह से ही काटते हैं, यहां से कोई प्रॉब्लम इनको होने वाली नहीं होती है, ठीक है। याद रखना आपको सबसे पहले शीत रेडी कर लेना है, ठीक है, काटने से पहले, ठीक है। जैसे कि आपका शीत हो चुका है रेडी इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो होता है आपका, ये नीचे होता है। अब इसको क्या करना होता है, सबसे पहले दोस्तों जिस तरीके से बता रहा ना यार, हमेशा सही रहोगे तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना हो, ऊपर इसको चढ़ा लेना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले घन में इसे डाल देते हैं, और डालने के बाद इसके बाद में एक चीज करते हैं, तो ये चीज सही नहीं है। आपको सबसे पहले ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, आपको इसको टॉप टॉप में रख लेना है। रख लिया, अब क्या करना है, लोग कुछ क्या करते हैं, आप इस तरह घन करते हैं, करने के बाद इस तरह से करते हैं, इसको निकालते हैं और ये डाल देते हैं इसमें, समझ गए, ये जो स्ट्रॉ है आपका आप इसमें डाल देते हैं, समझ के, इस तरह के, इस तरीके के साथ आप डाल देते हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपको ये तरीका नहीं अपनाना। तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये जो आपने नीचे किया इसको ऊपर कर देना, बराबर कर दिया। अब यहां पर आप देखोगे कि इतनी सी ये जो निब होती है, ये क्यों निकली होती है, एक गन जिसने बनाई वो पागल नहीं है। आपको ये जो होता है ना, ये जो होता है ये इसमें फंसाना होता है। फंसाने के बाद आप देखो आपका ये जो स्ट्रॉ है यहां के लिए बेस्ट हो चुका है, हो गया है। अब होने के बाद आप इसको इस तरह से करें, समझ गए, आपको उस तरीके से नहीं करना है। करने के बाद ये चीज करेंगे आप, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका ये जो ब्लू है, ये सॉरी ग्रीन है, ये तो ऊपर चला चुका है ना, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जाने दोगे इस तरह से, गन हमारी हो चुकी है लोड। सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपने गन कर दी है, अब आप क्या करते हैं, ग्लव्स डालते हैं और एआई करने के लिए चले जाते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी। इसमें क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ख्याल होगा, दोस्तों वीडियो मुझे पता लंबी हो रही है, लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो अभी बताने वाला हूं। आप सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, उसके बाद ये शीट पहले ही निकाल देते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अंदर हाथ डालना है, क्योंकि जहां भी आप जाओगे, अगर अंदर आप किसी के घर जाओगे, ठीक है, अगर गाय उसने अंदर बांधी है तो वहां पे गोबर होगा, स्मेल होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसको सबसे पहले निकाल देते हो। आपको ये निकालना नहीं है, आपको सबसे पहले अंदर हाथ डालना है। डालने के बाद आप जिस तरह से सर्वेक्स पकड़ लोगे, तो होने के बाद आप मुंह से इस तरह से
इस तरह से इसको निकाल दोगे, तो उस टाइम पर आप इसको गर्म को करोगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी हो जाता है आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं सर्वेक्स पकड़ने में, और तब तक के लिए यार इन्फेक्टेड तो हो सकता है ना, अगर इसमें मक्खी बैठ गई है, क्योंकि अंदर तो मक्खी होगी, अगर मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो, मेरा स्मेल ही हो सकता है, तो उसके साथ भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये तरीके जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपको अपनाने चाहिए, ठीक है? हो गया, समझ लीजिए आपने क्या किया, आपने कर दिया, जैसे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मैंने अंदर हाथ डाल दिया, आपने इसको निकाल दिया। अब आपको एक और काम चेक करना, आपको जब इस तरह से आपकी गन है ना, तो भाई आपको इस तरह से करनी है, ठीक है? तो करने के बाद आपको क्या करना भाई, आपको जैसे आपकी ये गन होगी तो आपको इस तरीके से चेक कर लेनी है भाई। ये जो होता है ना, ये चीज होती है भाई, सबसे बड़ी गलती ये होती है, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है वो भी बताता हूं। आप क्या करोगे, एआई गन एंटर करने के पहले आप इस तरह से नीचे से बॉटम दबाओगे, दबाने के बाद देखिए, अब जैसे मैं आपको क्लोज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अभी यहाँ पे मुझे पता नहीं दिख रहा है कि आपको नहीं, देखिए ये जो सीमन आपको पता कि एक बूंद ऊपर चढ़ चुकी है, समझ गए बात? तो यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, अब दिख नहीं रहा शायद आपको क्लियर, और यहां पर आप देखोगे कि सीमन स्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे ये देखिए, हाँ निकल रहा है, तो समझ लिया आपकी गन 100% सही है, समझ गए? अब दोस्त क्या करते हैं, इस तरीके से डाल देते हैं, ये चीज चेक कर नहीं करते, जब अंदर हार डालते हैं, और कभी कभी क्या होता है, जो इसकी निब होती है ना भाई, वो साइड पर ही चली जाती है, साइड पर जाने के बाद ना भाई आप कितना भी जोर लगा लो वो उसके अंदर नहीं घुसेगी, आपको हाथ बाहर निकालना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, मेरे से भी ये गलतियां हुई है, और वहां से मैंने सीखा है, जब ऐसी बात होती है बंदा हाथ बाहर नहीं निकालता, बंदा कहता है छोड़ो यार कोई बात नहीं, तो उससे भाई नुकसान होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपका जो रिजल्ट है ना वो गिर जाता। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके के साथ आपको इस तरीके से काम करना, और गन को लोड करने का जो सही तरीका है दोस्तों आज आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को यहां से मिला होगा, कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा भाई कमेंट में जरूर बताना, और हाँ ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, और किसी और वीडियो में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ खत्म करता हूं, मिलते हैं आपके साथ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आपको नमस्कार।